हेलो वीवर्स एंड प्यारे मेरे विद्यार्थियों, सहपाठियों, दोस्तों, मित्रों, भाई बहन, सारे लोग, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है वीडियो रिसेंटली अपलोड किया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज हम लोग प्रेजेंट के अंतिम सफर की ओर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। छोटा सा टेंस है, छोटी बातें हैं, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगी, तो आइए उसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। शुरू करने से पहले मैं जरा सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिसका जवाब आप देखो भैया, जो भी ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि पूछा था एक बार बड़े प्यार से, ही ठीक है डैश बी इल सिंस मंडे, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना आप PYQ है, ठीक है, जो बच्चे ट्वेल्थ में नहीं कंपिटेटिव के होंगे उनके लिए भी फायदेमंद है। अब देखो जरा गौर से, अब है क्या, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, तो अब आप सोचोगे सर जी इसमें हम जो ब्लैंक है इसमें क्या फील करें। तो देखो होता क्या था ना, पहले जो भी सिलेबस पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पूछा ना ही डैश, हमने यहाँ लिख दिया मान लो प्ले, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ क्रिकेट नाउ, ठीक है। तो होता क्या था, इस वर्ब के तो कितने फॉर्म्स हो जाएंगे, फाइव, कितने होंगे फाइव, तो अपना प्ले भी है, बोलो जोर से भारत माता की जय, प्लेइंग होता है प्लेड भैया, वर्ब टू भी होता है, वर्ब क्या होता है थ्री होता है, ये हो गया वर्ब फाइव, वर्ब वन, और ये हो गया वर्ब फोर, पांच होते हैं। अब इस पांचों में से कौन सा वर्ब इसमें होगा ये आपको सोचना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ, अगर नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा। तो पुराना सिलेबस यही था, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के होंगे या जो CBSE बोर्ड के होंगे, जो कंपिटेटिव सेक्टर्स के होंगे, हो सकता है आपके प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन आए हो। हालांकि अब तो ऑप्शन आ गए ना, चार ऑप्शन वाली कहानी है, 1 2 3 4 कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो चलो, तो हमने क्या बोला कि जो ब्रैकेट में वर्ब है उसके पांचों फॉर्म, देखो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देता है इस प्रकार के क्वेश्चंस के, पांचों फॉर्म्स याद होने चाहिए, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होने चाहिए ये याद होने चाहिए, तभी तो हम ब्लैंक को फिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलो, फिल भर सकते हैं। तो जैसे ये देखा तो यहाँ पे एक वर्ड लगा नाउ, नाउ किसको बताता है, वो एक्शन जो आपके समक्ष चल रहा है, कि अभी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं, अभी वो खेल रही है, वो वाला वो तुम्हारे जो बगल में है, वो वाला जो है व्हाट्सएप पे कहीं लगा हुआ है, वो वाला वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो ये नाउ बताया कि भैया हमको ये चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या चाहिए बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए, क्या चाहिए बोलो, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बोलो जरा, इच एम आर, और मेन वर्ब क्या लगता है वर्ब में बोलो क्या जी, आईएनजी, यानी कि अगर इसका हम लोग आंसर लिखे तो क्या बनेगा बोलो जरा जी, इज प्लेइंग, क्या बनेगा इज प्लेइंग, ये हो गया करेक्ट। उसी तरह इसमें सोचो तो बी का तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है शुरू में ही, टेंस के शुरू हेल्पिंग वर्ब सॉरी हो चुके हैं, उसमें मैंने बोला था इज एम आर वाज वेयर, ठीक है, बी बीन बींग, सारे इसी के होते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक भी चीज देना है सिंस मंडे, यानी कि ये जो बीमारी जो है वो सोमवार से है, कब से है बोलो जी, सोमवार से आप बीमार हो, तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा हैज बिन, इसका इस्तेमाल पड़ेगा हैज बिन, ही हैज बिन इल सिंस मंडे, ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि अब इसी पे हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोग शुरू करते हैं उसी अगले टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है भाई, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, की बात होने जा रही है। तो देखो ये टेंस होता क्या है, ये होता क्या है कि एक कोई एक्शन जो मान लो, ये अगर टाइमलाइन हम लोग बना ली, अगर हम लोग प्रेजेंट कर दे, इधर हम लोग अगर फ्यूचर कर दे, इधर हम लोग क्या कर दे बोलो जरा जी, पास्ट, अगर यहां हम लोग समझे तो कोई एक्शन जो है ना पास्ट से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, पास्ट से शुरू हुआ, और प्रेजेंट में क्या है बोलो, कंटिन्यू है, बोलो जी क्या है,
समझ रहे, ये तो लाइन आगे जा रही है तो ये फ्यूचर वाली लाइन है, ये आगे जाएगी, लेकिन ये जो अपना प्रेजेंट है उसमें क्या है बोलो जी, कंटिन्यूअस है। या ये हो सकता अगर ये एक्शन चला तो प्रेजेंट में कुछ दिन तक चला और जाके फिर खत्म हो गया, तो ये दोनों जो चल रहे हैं कहानी, इसी कहानी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब बोल सकते हैं कि एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग ठीक है, और ठीक है कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और बोल सकते हैं कि कंप्लीटेड आफ्टर कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, या बोल सकते हैं कि कंप्लीटेड आफ्टर कंटिन्यूइंग फॉर अ वाइल, अ वाइल कहा इन द प्रेजेंट, उसी को क्या कहेंगे इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जरा सा देखते हैं, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, जो स्टार्ट हुआ बोलो कहां, पास्ट में, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, जो वर्तमान में क्या है जारी है, या कंप्लीटेड आफ्टर कंटिन्यूइंग फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब कुछ क्षण के लिए कंटिन्यू होकर के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कहां इन द प्रेजेंट, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दो तरह के टेंसेस, दो तरह के एक्शन आ गए, एक तो जो पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट में भी चल रहा है, जैसे मैं पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूं, बोलो क्या, पिछले 4 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ये काम मैंने शुरू किया था 4 साल पहले और आज भी प्रेजेंट में ये जारी है, आज भी प्रेजेंट में क्या है जारी है। जैसे मैं बोलूंगा मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें बोलो ढूंढ रहा हूं, मतलब तुम मिल गए तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूं मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मतलब ढूंढने का कांड हुआ पास्ट में, प्रेजेंट में कुछ दिन ढूंढा तुम मिल गए, बोलो तुम मिल गए, तो वहां पे एक्शन मेरा कंप्लीट, लेकिन कंटिन्यू होके कंप्लीट हुआ, बोलो क्या होके, कंटिन्यू होके कंप्लीट हुआ। तो दो तरीके के एक्शन है, एक स्टार्ट कंटिन्यूइंग, एक स्टार्ट कंटिन्यूइंग कंप्लीटेड, दो तरह के एक्शन हो गए भाई। तो जी सीधे सीधे एग्जांपल्स पे वार करते हैं, अगर मैंने लिखा भाई कि आई हैव बीन लिविंग हेयर, ठीक है जी, सिंस 2012, तो ये भी करेक्ट है कि मैं 2012 से यहाँ रह रहा हूँ, तो ये तो पक्का है, रहने का काम मैंने कब शुरू किया बोलो, पास्ट में, और अभी भी मैं रह रहा हूँ। जैसे मैंने अगर कहा कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स, समझ गए ना, 5 सालों से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये करेक्ट हो जाएंगे सेंटेंस। और देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी सिंस और फॉर वाली कहानी, तो बेटा उसके लिए तुमको जाना होगा बोलो कहाँ, प्रेपोजिशन में, और वहां जाके सीखना पड़ेगा आखिर होता ये क्या है। अगर मैं बोलूंगा कि ही हैज बिन लुकिंग, ही हैज बिन लुकिंग फॉर, ये भी करेक्ट है, ये वही मैंने कहा, कौन सा बोलो, एक्शन स्टार्ट हुआ मुझे ढूंढना और मैं मिल गया, तो ही हैज बीन लुकिंग फॉर मी, वो मुझे तलाश रहा था कब से, बहुत पहले से, लेकिन अब मैं मिल गया यहाँ पे। तो दो तरीके से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, एक जो पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में क्या है कंटिन्यूइंग है, एक जो पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में कंटिन्यू होकर के क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो दो टाइप्स के इसमें एक्शन होते हैं। अब सीधे सीधे थोड़ा सा बात कर लेते हैं भैया, अगर मान लो तुम कहोगे सर जी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सारा चीज तो बन ही जाएगा, पहले रखो सब्जेक्ट, फिर क्या रखो हैव, या क्या रखो हैज रख लो, बाद में क्या रखो बीन, के बाद वर्ब में क्या लगा दो, इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट मिले यहाँ रख दो, फिर अगर यहाँ पे गाड़ी सिंस और फोर तक बढ़ती है तो लेके जाओ, और इसके बाद क्या रख दो बोलो जी टाइम को रख दो, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बोलोगे सर कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगेंगे, तो बोलो कहाँ जाओगे प्रेजेंट परफेक्ट में, कहाँ जाओगे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है ना। तो ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज दो ही होता है, मैं लिखा नहीं रहा हूं, एक तो पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में जारी है, दूसरा जो पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में जारी रहा फिर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा अगर कहानी आप लोग गौर से देखो, सिंस और किसके बारे में बोलो जी, फॉर, मोटा मोटी मैं काम चला दे रहा हूं,
इसको हम लोग कहते हैं बेटा पीरियड ऑफ टाइम। बोलो जी क्या? पीरियड ऑफ टाइम। और इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। बोलो गौर से जरा, पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये दोनों की कहानी क्या है जरा खूब गौर से समझना। देखो पीरियड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक अवधि, गैप वाला टाइमिंग, ठीक है। पॉइंट का मतलब होता है एग्जैक्ट कब से, एग्जैक्ट कब से। अगर तुम बोलोगे दो घंटों से तो ये तो पीरियड हो गई। तो यानी कि जो भी आप आवर्स लिखोगे, कितने भी आवर्स इसमें आएंगे, जो भी आप सेकेंड्स लिखोगे, मिनट्स लिखोगे, आप ईयर्स लिखोगे, आप बेटा क्या लिखोगे, मंथ्स लिखोगे, आप डेज लिखोगे, आप वीक या वीक्स लिखोगे, ये सारे के सारे फॉर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे बोलो? लेकिन आप जैसे लिखोगे 2011, अब मान लीजिए आपने लिखा 2 o'clock, आपने लिखा भाई इवनिंग, क्या लिखा, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट आपने लिखा, आपने होली दिवाली का नाम लिख लिया, आपने जो है बचपन बुढ़ापा लिख लिया, चाइल्डहुड आपने लिख लिया, समझ रहे हो ना जी, चाइल्डहुड। तो ये जो भी फिक्स्ड टाइम है ये सारे के सारे हम लोग रखेंगे कहाँ, सिंस के साथ। समझ में कहानी आ रही है ना? तो ये था थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन, हालांकि आप प्रीपोजिशन में जाओ ढूंढ के पढ़ लेना सिंस और फॉर की कहानी, वहाँ ऑलरेडी बोलो हमने बड़े डिटेल में समझाया है, इसलिए मैं यहाँ आपका टाइम ज़्यादा खपाना नहीं चाहता हूँ। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी प्रेजेंट टेंस की। आपने पढ़ा कैसे हमने प्रेजेंट बनाया, उसके चार पार्ट्स हमने कैसे किए टाइम और टेंस को मिला करके। तो यहाँ आपने देख लिया आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो फटाफट भैया सब्सक्राइब कर दो, टीचर्स हो कि इतनी बार बोलते हो। और देखते हैं 300-400 लोग लाइक आ रहा है, 1-2-3-4 पर, इसका मैं क्या समझूं, थोड़ा सा दिल टूट जाता है यार। तो कृपया लाइक को हिट करते चलो, ठीक है, ताकि हम लोग भी तुमसे इंस्पायर हो, मजा आए, कुछ तो गुरु दक्षिणा में मिलनी चाहिए ना। फिर हम लोग अगले वीडियो को फटाफट लेके आएंगे, पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो स्टूडेंट्स की मांग है कि सर ज्यादा क्वेश्चंस होना चाहिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट की कहानी। तब तक बने रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो एससी इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, बाय।